1.5 साल पहले मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया था, तो उसने MRI वगैरह करके मुझे कहा कि आपके L5-L6 में थोड़ा सा गैप है। तो कंटिन्यूसली फिर मैंने थोड़ा सा फिजियोथेरेपी किया, बाद में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन कंटिन्यू में कमर में बहुत दर्द है। कंटिन्यू चले, मतलब चलने पे, बैठने पे, उठने पे, अभी ऐसे झुकने नहीं आता, झुकने नहीं आता। और वो जो दो बॉल है, बॉल वो बॉल बहुत पेन करता है, चलने में, रनिंग करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कमर बहुत पेन पेन होता है कंटिन्यूसली। मानसिक वगैरह सब इनका ठीक है, बस थोड़ा ये L4-5 और इसमें बस माइल्ड कंप्रेशन है, थोड़ा सा स्लिप डिस्क है इनका, थोड़ा स्लिप पेन हो रहा है सर, यहाँ पेन हो रहा है ना, थोड़ा स्लिप डिस्क है, थोड़ा सा पहले मैंने को थोड़ा सा ट्रैक्शन देंगे। सांस भरेंगे सर, ब्रेथ इन, लंबी सांसें बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, थोड़ा बाहर निकालेंगे, रिलैक्स, स्टॉप, सांस भरेंगे सर, बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे सर, बाहर निकालेंगे, body relax, इसमें कहीं पेन आपको नहीं है ना? नहीं जी, इधर नहीं, मुंह छोड़ दो, आप मुंह बंद रखना, कैसा फील हो रहा है आपको? चालू दाखवा थोड़ा आणि
दोनों शब्द बोला कैसे वर्ड है फ्री फ्री लग रहा है वक्कर वक्कर है ये मैं आता कैसे वर्ड है तो फ्री जा रहा है थोड़ा सा पण ते पेन है इधर हां अभी थोड़ा सा कितने तक फ्री हो गया है थोड़ा सा लेकिन वो दो जो बॉल है बॉल हां हां उसमें पेन करता है वो है सर अभी अभी आपका फर्स्ट सेटिंग है ना मतलब पहले से कितना परसेंट रिलैक्स हुआ अभी काफी अच्छा अगर 100% में देखा जाए तो कितना परसेंट रिलैक्स हुआ अभी 40% तो रिलैक्स हुआ बड़े फील है ना आपका फर्स्ट सेटिंग है ना हां ये दो बॉल